अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में फिर से होस्ट कर रहा हूँ और मेरे साथ हैं जवाद भाई, हमजा और फरहान। तो पिछली वाली एपिसोड आपने देख ली होगी, अब नई पर्सनालिटी के साथ है। पिछली एपिसोड में हमारे साथ काफी बुरी हुई थी, तो अब नई पर्सनालिटी के साथ हम दोबारा हाजिर हैं और इनसे गेस करवाते हैं, तो देखते हैं कर पाते हैं या नहीं कर पाते। इंशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ के शुरू करें जी। लैपटॉप पे लाइनें लगी। मेल? यस मेल। जिंदा है? नहीं नहीं जिंदा जी है। ऑफ है? चलिए। ताल्लुक पाकिस्तान से है जी? पाकिस्तान से है। ठीक है। था? अब तो नहीं है। हाँ जी। अच्छा, डेथ पिछले 10 सालों में हुई है? डेथ जो है वो पिछले 10 सालों में नहीं हुई। ठीक हो गया जी। उससे पहले हुई है? 20 साल हो गए डेथ हुए हुए। नहीं, उससे ओल्ड है। ठीक है, उसको अब छोड़ दे। अब और तरफ चलो। ठीक है, प्रोफेशन की तरफ आ जाओ। अब वजह शोहरत की तरफ चले। वजह शोहरत सिर्फ ना करो, पूछो कि किस चीज से ताल्लुक है। वो वजह शोहरत एक ही चीज आ जाती है ना? नहीं ना, ये दो हो जाएंगी डिफरेंट, इसीलिए फंसे हो पिछली दफा। अच्छा, ताल्लुक पॉलिटिक्स से है? ना, नहीं। फोर्सेस? नो। मुझे तो लिखने के लिए बिठाया बस तुमने। नो नो नो। तू स्टैनो है? जज का? साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है जी? नो। नहीं, रोको क्यों, जो फील्ड्स देखो ना। याद हो कर, एक मिनट एक मिनट सोच। नो पॉलिटिक्स, फोर्सेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंटरटेनमेंट से ताल्लुक था? हाँ था, ताल्लुक था। इससे भी? उससे भी ताल्लुक। इससे भी ताल्लुक था। ठीक है, यानी कि वजह शोहरत ये नहीं थी। लिटरेचर? हाँ लिटरेचर। लिटरेचर असल चीज़ है, असल चीज़ है ये। इसी में बता दे, एक ही सवाल में थोड़ा कर ले। देख हाँ। भाई नहीं। हाँ लिटरेचर। अच्छा जी, वजह शोहरत लिटरेचर है। कौन जी लिटरेचर में? आ जाते हैं। अच्छा जी, 2000 से पहले डेथ हो गई? हाँ 2000 से पहले डेथ हो गई है। हो गई क्या जी? आते हैं, 20 साल पुराना काम है बंदे। अच्छा जी, अब पूछ लो। पोइट्री राइटर? राइटर, बुक राइटर और पोइट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, सो राइटर पोइट पहले पोइट पूछ लें। पोइट थे जी? नहीं। राइटर पे आता है वो, राइटर भी पूछ ले। अब पूछ ले। राइटर थे जी? यस यस राइटर थे। अच्छा, ये फिल्म ड्रामे लिखते थे या नहीं? ऐसे पूछ? नहीं नहीं ऐसे पूछ ना, पूछ नहीं। एक सेकंड ना। नॉवल निगार थे? जी नॉवल निगार। ठीक है। अच्छा, मशहूर तरीन नावल एंक है जी। अब नावल निगार में अगर आप आ जाओ ना, तो उसमें अशफाक अहमद, अशफाक अहमद की रिसेंटली ये पिछले 10 साल में अशफाक अहमद को निकाल दो। ठीक है, मेल हैं। तो अब आप चले जाओ थोड़ा सा और पीछे, मंटो की तरफ चले जाओ आप। अपनी उम्र में जा? हाँ जी, मंटो की तरफ चले जाओ आप। ठीक है, उसके बाद आप अलीपुर का अली था जो है ना, एक सवाल पूछूं मैं। मुमताज मुफ्ती की, एक सेकंड, मुमताज मुफ्ती की तरफ चले जाओ। ठीक है, फुल सवाल। अच्छा, अशफाक इनके लिखे नावल पे कोई ड्रामा ड्रामा बना? नहीं, काफी बने यार। नहीं 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 नहीं। ठीक है ना? नहीं ना, बने होंगे या नहीं बने, आपको कौन सा पता है? ये इतने पुराने बंदे के वो नहीं है। अब आजकल बन रहे होंगे सारे ड्रामे नावलों के। एक सेकंड, मुझे पहले मुझे बंदे पीछे करने दो, पता लगे परिजा ड्रामा आ रहा उसी का राइटर। भाई जान एक सेकंड ना, बंदे साइड पे करने दो। साहब कुदरतुल्ला शाह एक तरफ आ गए, मुमताज मुफ्ती दूसरी तरफ आ गए। ठीक है, उसके बाद सादत हुसैन मंटो, इनको एक साइड पे कर दो। ठीक है, सारे 20 साल से पहले डेथ हुई है? सबकी 20 साल से पहले डेथ हुई है। ठीक है, नूरजहां सिंगर थी। ठीक, गाने भी लिखती थी अपने, मतलब नहीं गाने और वो मेल है बंटी। इनकी कोई
कहानी या कोई भी इनकी तसनीफ, ठीक है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है, जो मैट्रिक और इंटर के सिलेबस का हिस्सा है? नहीं। इनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से भी रहा है? नहीं। मुमताज़ मुफ्ती निकाल दो, कुदरतुल्ला शाह निकाल दो, मुमताज़ मुफ्ती है अभी, ठीक है। चलिए मुमताज़ मुफ्ती को जो है मंटो वो भी निकल गया। मंटो नहीं, मंटो नहीं निकला अभी, निकाल के से ठीक है। अच्छा मंटो को निकाल देते हैं। गोल लाइन के लगाते थे वो? नहीं नहीं, ये सवाल नहीं भाई। मैं गिन लूंगा अभी, देख लो। मंटो को इस तरह से ना, इनके ऊपर कोई फिल्म बनी है? फिल्म इनके ऊपर या इनके बनाए हुए उसकी? ये देखा ये, मैंने ये पहले सवाल पूछ रहा था मैं, तो उसे ही पूछ रहा था मैं, तब भी कह रहा था नहीं। क्या मतलब कि इन ये दो अलग सवाल, बायोग्राफी पूछ रहा है या किसी नॉवल पे पूछ रहा है या उन पे बनी है कोई उसके बंदे की पर्सनालिटी पे बनी है? मंटो पे उसकी पर्सनालिटी पे फिल्म, ऐसे बायोग्राफी की बात कर रहे हैं हम। बायोग्राफी पे बनी हुई है, ठीक है। हां एक मंटो पे ही बनी है। मंटो पे बनी हुई है? मंटो पे बनी हुई है ना, एक मंटो पे ही बनी है, इसके अलावा और किसी पे नहीं है। हां और किसी पे मेरा तो नहीं ख्याल है। और क्या पूछ सकते? अच्छा जी, क्या जो इनकी राइटिंग थी, ठीक है, ये थोड़ी सी हम बोल्ड कह सकते हैं, थोड़ा सा बोल्ड लिखते थे? बोल्ड में क्या आता है? बोल्ड से मुराद आप ये है कि जैसे कंट्रोवर्शियल थे थोड़े? कंट्रोवर्शियल नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं आप कह सकते, यानी कि थोड़ा सा लिबरल टाइप लिखते थे ये? हाँ लिबरल थे, लिबरल थे, कंट्रोवर्शियल भी थे। हाँ? इंडिया में भी इनकी बनी है, एक ही बनी है वो? नहीं उसकी उधर पाकिस्तान वाले नहीं, पाकिस्तान। हाँ क्या वो तो जवाब दिए मैंने पहले, दे दिया, पूछ लो मंटो यार, बस अब क्यों सवाल बढ़ा रहे हो अपने टाइम कितना कितने कितने के? 17वां सवाल हमने पूछा था अभी, ये लिबरल अभी लिबरल वाला हुआ है। हाँ मूवी वाला एक हुआ है, एक तरह से किसी एक तरह से सादा सा मंटो को फिर कंफर्म कर लो, अभी तक तो 100% सवाल हो गए, दो एक आधा और। हाँ जी फिर मंटो ही इंडिया में भी बनी है, पाकिस्तान में भी बनी है ना? पाकिस्तान में किसने एक्टिंग की? उसने सरमद खोसट ने, खोसट ने बस। और इंडिया में किया नवाज शरीफ ने। इनका इनकी बायोपिक में सरमद खोसट ने एक्टिंग की है। हाँ मंटो, मंटो है जी जवाब, फाइनल देख लो, फाइनल सादा सा मंटो, ठीक है। हम जीत गए, क्या बात, हम जीत, क्या बात, क्या क्या बात, हम जीत गए। लिटरेचर पे ना पहुंचता ना तो भाई बड़ा दुख होना था, बहुत शदीद दुख होना था। अच्छा जी, तो इन्होंने पर्सनैलिटी बिल्कुल सही गेस की है, सादत हसन मंटो, जिनको पाकिस्तान की तरफ से 2012 में निशाने इम्तियाज एक तमगा दिया गया। उनकी जो राइटिंग्स थी उनको बहुत एक्नॉलेज किया जाता है, उर्दू के एक मायानाज राइटर समझा जाता है उनको। और लेकिन जब वो लिखते थे, जिस ज़माने में वो ज़िंदा थे, लिखते थे और अपने जो ख्यालात थे उनको लफ्ज़ों में उतारते थे, उस टाइम उनको कहा जाता था कि जो वो लिखते हैं वो सही नहीं लिखते। और लेकिन अगर हम उनकी राइटिंग्स को देखें तो एक कमाल किस्म की राइटिंग है, स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट है वो उनके पास, जिसे कहते हैं ना, कोट कोट के भरी हुई थी। तो मैंने इसलिए इनको ऐड किया ताकि इनकी जो राइटिंग थी उसमें कड़वे सच होते थे हमारी सोसाइटी के, इन्होंने उसको हाईलाइट किया। उनके ज़माने में उनको नहीं पढ़ा गया, नहीं इतना कहा गया, मतलब उनके खिलाफ़ बातें की गई, लेकिन अब मानते हैं, पाकिस्तान वाले भी मानते हैं और जो भी उनको पढ़ता है वो उनको मानता है। ये थी हमारी आज की एपिसोड, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।